किसी भाई ने सवाल पूछा है न्यूयॉर्क से, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में काफ़ी हुक्का बार्स खुले हैं और सिगरेट नोशी के लॉन्च वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी मुसलमान यंगस्टर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है। देखिए मेरे भाई, ये एक सिर्फ शैतान ने एक प्लान सेटअप किया हुआ है, ये चीज़ बिल्कुल हलाल नहीं है, बिल्कुल हराम है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे एक इंसान अगर एकदम से कुछ जहर पी लेता है तो अचानक मर जाता है, एक वो इंसान है जो थोड़ा थोड़ा एक कतरा कतरा करके अंदर डाल रहा है तो वो भी एक मौत है। तो अल्लाह ताला ने ख़ुदकुशी को हराम किया हुआ है ताकि आप ख़ुदकुशी अचानक पहाड़ से गिर के ख़ुदकुशी कर लें या आराम आराम से ख़ुदकुशी करें, एक ही बात है, ख़ुदकुशी भी टोटली हराम है। अब ये एक शैतान ने नफ्स में, ये जितने भी हमारे नौजवान हैं इनके दिलों में शैतान ने सिर्फ एक वसवसा डाला हुआ है जो ये चीज़ हराम नहीं है, ये एक सिर्फ टाइम पास के लिए है और एक दोस्तों की गैदरिंग है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल हराम है। अगर हम सूरत मायदा पढ़ते हैं आयत नंबर 90 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु व रिज्सुम मिन अमली शैतान फजतने बोल अल्लाकुम तुफलिहून, जिसमें एक नशे का जिक्र किया गया है। काफ़ी उलमा हैं जो कहते हैं कि जो नशे का वर्ड है इसका मतलब शराब से है, लेकिन ये एक एक बात की तरफ इशारा है क्योंकि शराब भी नशा करती है, तम्बाकू नोशी भी नशा करती है, तो ये टोटली चीज़ हराम है। अगर हम सूरह यूसुफ पढ़ते हैं आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उबरी नफ्स इन्ना नफ्स लमारत बिसो, जिसमें कहा गया है कि आपकी नफ्स कभी भी आपको सीधे राह की तरफ नहीं लेके जाता, आपका नफ्स कभी आपको ये नहीं कहेगा कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो या हज करो या कोई भी अल्लाह ताला के जो है काम है उसको पूरा करो, वो हमेशा आपको एक गलत चीज़ की तरफ ही बुलाएगा। ये एक सिर्फ शैतान ने एक प्लान सेटअप किया हुआ है ताकि इंसानों को एक गलत चीज़ की तरफ लेके जाएँ,